हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कॉटन कुर्ता सेट विद दुपट्टा शेयर करने वाली हूँ फॉर दिस समर सीजन। ऑल ऑफ दिस कुर्ता सेट्स आर गोइंग टू बी रियली रियली कंफर्टेबल, दे आर डिजाइनर वेयर एंड ये सारे के सारे ट्रेंडी हैं। और इन सारे आउटफिट्स को मैं रेट करने वाली हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कम्फर्ट एंड ओवरऑल लुक, जिससे आप लोगों के लिए ये चूज करना काफी ईजी हो जाएगा। सो गाइज, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट जम्प इन टू द वीडियो। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कुर्ता सेट, ये कॉटन मटेरियल में मस्टर्ड कलर का ये कुर्ता सेट मुझे दिखा था एंड आई लिटरली फेल इन लव विद दिस। इट हैज ऑल द डिटेलिंग्स विच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेलिंग हियर। यहाँ पे ये जो कॉटन मटेरियल के ऊपर, जनरली हम इस तरह का जो जड़ाव कड़ाव वर्क हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, बट कैन यू बिलीव, आई मीन जस्ट लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन एंड जो प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है यहाँ पे सीक्वेंट की डिटेलिंग देते हुए। ये इस तरह से नेकलाइन पे प्रॉपर ये दिया हुआ है डिटेलिंग। इसके साथ साथ यहाँ पे नाउ एक और जो ट्विस्ट है, ये जब मैंने वेबसाइट पे देखा था ना, इट लुक्स लाइक एन अनारकली कुर्ता एंड एक्चुअल में ये अनारकली का इल्यूजन दे रहा है। एकदम प्रॉपर फॉल है यहाँ पे चेस्ट से लेके जब हम नीचे आ रहे हैं, एयरलाइन का फ्लेयर भी है एंड नीचे इस तरह की ये प्रॉपर डिटेलिंग भी दी हुई है। बट इसके साथ एक कैच मुझे, जब मैंने इसको स्टाइल किया तब मुझे दिखा कि यार ये जो है ना यहाँ पे, ये काफ़ी हाई स्लिट है, लाइक आई वुड से यहाँ से ये स्लिट आ रहा है। बट कैन यू बिलीव, ये इधर से अगर आप देखो तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है दैट देर इज़ अ स्लिट, अनलेस आप एकदम टोल्ड करो तो। एंड ये मैंने मीडियम साइज में लिया है, जनरली मैं स्मॉल साइज स्टाइल करती हूँ बट फॉर दिस वन आई वेंट हेड विद द मीडियम साइज, बिकॉज जनरली मैंने चार्ट देख के ही ऑर्डर करती हूँ। सो मेरा जो चेस्ट साइज है ना वो 34 के अराउंड है, तो मैंने इसीलिए हमेशा जब भी कोई भी ऑर्डर करती हूँ तो आई मेक श्योर कि 34 अगर स्मॉल साइज में है तो स्मॉल साइज, मीडियम है तो मीडियम। बट जस्ट लुक एट द फिट गाइज, आई मीन इट लुक्स अमेजिंग। बिल्कुल भी कहीं से कुछ टाइट वगैरह नहीं है, कंफर्टेबल है, स्टाइलिश है, इट्स ट्रेंडी, इजंट इट? आई मीन आई जस्ट लव इट। और सबसे बड़ी बात, हमें कॉटन मटेरियल के साथ इतनी सारी डिटेलिंग मिल रही है, वो किसको पसंद नहीं आएगी। इसके साथ जो बॉटम आता है गाइस, नाउ द बॉटम हैज़ द सेम प्रिंट जो कि हमारा यहाँ पे इस कुर्ते में है। नीचे यहाँ पे बॉटम के ही ना छोटा सा लेस की डिटेलिंग दी हुई है, इट्स वेरी वेरी कम्फर्टेबल। कुर्ते पे ना यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ दोनों तरफ ही स्लिट दिया हुआ है बट बॉटम में यहाँ दोनों तरफ आपको इस तरह से पॉकेट है। इसके साथ आता है जो दुपट्टा, इट हैज़ दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्रिंट एंड हल्का सा यहाँ पे जस्ट रनिंग लेस दिया हुआ है। आई एम इन लव, दिस इज़ समथिंग विच आई वुड लव टू स्टाइल। नाउ अगर मैं इसको कम्फर्ट के बारे में बात करूँ तो कम्फर्टेबल, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स वेरी वेरी कम्फर्टेबल। True to its size, like it's actually comfortable and beautiful. It doesn't look एकदम shabby type का कि यार एकदम ही अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल वैसा नहीं है। Comfort भी है, ओवरऑल कम्फर्ट के मामले में 10/10 एंड स्टाइल के मामले में तो ये अच्छा है ही, मुझे तो अच्छा लगा। आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा है। एंड देन ओवरऑल लुक चुम्मेश्वरी, 10/10 guys. Now let's talk about the styling here. So एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने ये गोल्ड एंड पर्ल में ये इयरिंग स्टाइल की है। आई डिडंट वांट टू गो फॉर डैंगलर्स या चांद बाली, लेकिन क्योंकि समर्स में ना यार बहुत पसीने आते हैं और ऊपर से एकदम खुद बंदा परेशान रहेगा, तो ये डैंगलर वैंगलर ऐसे खोल के निकाल देने का मन करता है स्पेशली मुझे। सो बेटर टू गो अहेड विद दीज काइंड ऑफ स्टड्स या फिर जो भी छोटे इयरिंग्स होते हैं ना उनके साथ। एक हल्का सा कंट्रास्ट ऑफ कलर देने के लिए आई हैव एडेड दिस बैंगल फुटवेयर में, बिकॉज हमारे आउटफिट में गोल्ड कलर है। आई वेंट अहेड विद दिस गोल्डन जुत्ती एंड टू कम्प्लीट द लुक इस गोल्डन क्लच को मैं स्टाइल कर रही हूँ। एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज। So, ये प्यारा सा कुर्ता सेट जो आप देख रहे हो, इट्स ऑफ कॉटन मटेरियल विथ फ्लोरल प्रिंट ऑल ओवर इट एंड इसमें काफी सारी डिटेलिंग है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कुर्ता फर्स्ट। ये जो कुर्ता सेट है ना, दिस इज इन फ्लोरल प्रिंट, इसका ओवरऑल टॉप एंड बॉटम दोनों ही फ्लोरल प्रिंट में है। एंड एज यू कैन सी, अब क्योंकि समर सीजन है तो वी आर गोइंग टू सी द वी नेक डिजाइन विच इज गुड, और इस तरह के आपको लेस वगैरह की डिटेलिंग तो लगभग आपको मोस्टली जो कॉटन कुर्तेज होते हैं ना उनमें मिल जाएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेलिंग, आई एक्चुअली लव हाउ इट लुक्स लाइक। जनरली क्या होता है ना, जो स्लीव्स होते हैं वो स्ट्रेट फिट होते हैं, बट इस वाले कुर्ते में ना, इफ यू सी, इट्स काइंड ऑफ अ बलून स्लीव्स। ये जो है ना, ये वाला सेक्शन
आपका हेमलाइन, दिस इज एक्चुअली लाइक समथिंग विच आई एम ड्रूलिंग फॉर। फिट वाइज मैं कहूँ तो मैंने ये स्मॉल साइज में लिया है एंड स्मॉल साइज में भी दिस लुक्स रियली लाइक इट्स नॉट लुकिंग वेरी टाइट, ना ही मेरे शोल्डर से और ना ही यहाँ मेरे चेस्ट एरिया से। सो ये फिट के मामले में ये एब्सोल्युटली परफेक्ट है लाइक स्मॉल साइज में। कई बार आप लोगों ने मुझे कॉमेंट में भी कहा है कि महिमा तुम्हारे ना कई बार चेस्ट एरिया पे टाइट लगता है, बट एज यू कैन सी यहाँ पे वी हैव द रूम एंड स्पेस एंड इट्स लुकिंग लाइक इट्स मेड फॉर माई बॉडी एंड फिट में मैं इसको 10 out of 10 रेट करूंगी एंड इट्स एक्चुअली वेरी कम्फर्टेबल लाइक रियली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेंथ। ये मेरे काफ लेंथ से भी लंबा है। बॉटम इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर वेयर। सो ये जो बॉटम है ना यहाँ पे, ये पूरा पर्टिकुलरली ये प्लीटेड बॉटम है जो कि हमारा सलवार वाला लुक दे रहा है। एंड सलवार जहाँ बात आती है, सलवार इज ऑलवेज कम्फर्टेबल एज यू कैन सी। कम्फर्ट में मैं इसको अगेन 10 out of 10 रेट करूँगी बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेरी कम्फर्टेबल। इसके साथ जो दुपट्टा आता है ये चुन्नी फॉर्म में है, तो चुन्नी इज समथिंग आप एकदम ईजिली इसको कैरी कर सकते हो। फॉर दोज गर्ल हु डोंट वॉन्ट टू कैरी चुन्नी, दे कैन सर्टनली स्किप दिस। बट चुन्नी का भी कलर जो है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें जो डिटेलिंग दी हुई है, द रनिंग गोल्ड फॉयल, इट्स एक्चुअली लुकिंग ऑसम। ओवरऑल ये पूरा का पूरा कुर्ता सेट इज 10 on 10 फ्रॉम माई साइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइलिंग, हाउ वुड आई स्टाइल दिस आउटफिट। सो यहाँ पे मैं जब स्टाइलिंग की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे ये इयररिंग ले रखी है, पर्ल इयररिंग। आप चाहो तो इस तरह की कोई भी ड्रॉप इयरिंग ले सकते हैं। मैंने ये बैंगल्स टैग किए हैं, दिस इज ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो बैंगल्स टैग कर सकते हो इनमें से, इन प्रिंट में से कोई भी एक कलर चूज करके। फुटवेयर के लिए आई एम गोइंग अहेड विथ वाइट कलर के ये हील एंड टू कंप्लीट द लुक आई एम गोइंग अहेड विथ वाइट बैग एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइस। ऑलराइट, सो कॉटन मटेरियल में ये स्ट्रेट फिट कुर्ती बादनी प्रिंट में मुझे दिखी थी और दिस इज समथिंग विच यू कैन वेयर फॉर रेगुलर बेसिस। लाइक ये जो प्रिंट है ना ये काफ़ी आपको फेमिलियर लगेगा और समर सीजन में इस तरह के प्रिंट, ये कलर कॉम्बिनेशन स्पेशली पिंक एंड ब्लू, ये काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट आउटफिट्स में दिखेंगे। सो इफ़ यू आर अ वाइब्रेंट कलर लवर एंड देसी प्रिंट्स आपको पसंद है, I would suggest to go ahead with this one. Let's talk about the detailing here. ये round neck में है and बांधनी print में जैसे मैंने आपको बताया it comes with mirror design. जो print है ये पूरा का पूरा इस तरह से दिखेगा। Now ये जो है हमारा sleeves पे हमारे same print है, just that ये जो यहाँ पे इसके hemline है यहाँ पे इस तरह से detailing दी हुई है। The pant however has लहरिया print और same color combination में, जो हमारा color combination है ना overall इसी color combination में हमारा print है। I love such kind of fusion. This comes with a dupatta and ये भी cotton material का dupatta है and आपको ये हल्का सा नीचे इस तरह से tie-dye print भी दिखेगा नीचे एंड डुअल प्रिंट है ओवरऑल अगर आप ऐसे देखो तो। कम्फर्ट वाइज आई वुड से दिस इज रियली वेरी कम्फर्टेबल, स्मॉल साइज में है ये एंड लुक वाइज दिस इज ओके। आई वुड गिव इट 8 out of 10 फॉर लुक, ओवरऑल लुक में, एंड 10 on 10 ऑन कम्फर्ट बिकॉज ऑब्वियसली कॉटन मटेरियल का है तो कम्फर्टेबल तो होगा ही। ये आप ऐसे समझ लो कि मैं इसको इतने ईजिली इसको ऐसे पकड़ ले रही हूँ, इट्स That's soft. It's actually very soft. So, जो material actually brand to brand भी differ करता है, तो ये जो brand है ना, you know, इन्होंने जो cotton material choose किया है, that's actually very soft material. And जिसकी वजह से comfort हमारा सारे ही outfit में टॉप नॉच मुझे अभी तक लग रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस। ये मुझे 1159 रुपीज़ में मिला है। नाउ स्टाइलिंग की अगर मैं बात करूँ तो बिकॉज ये देसी प्रिंट है, देसी प्रिंट के साथ मैं हमेशा देसी स्टाइल ही करूँगी, जैसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को पेयर करना। सो यहाँ पे मैंने ये बड़ा सा झुमका लिया हुआ है एंड इसके साथ मैंने आई रियली वॉन्टेड टू कीप इट सिंपल स्ट्रेट फिट। जो कुर्तियाँ होती हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा भी ओवरडू नहीं करना चाहती हूँ मैं एंड ऑब्वियसली वी हैव प्रिंट्स एंड दो डिफरेंट, इनफैक्ट तीन डिफरेंट प्रिंट्स, टाई डाई भी हो गया, तो तीन डिफरेंट प्रिंट्स हमारे पास ऑलरेडी आउटफिट में है, तो आई डोंट वॉन्ट टू
ओवर एक्सेसराइज बाय आउटफिट। तो यहाँ पे जो बैग मैंने लिया है वो अगेन ये वाइट कलर का बैग है। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि एक वाइट बैग में इन्वेस्ट कर लो, वो काफ़ी मल्टीपल आउटफिट्स के साथ चला जाता है। और अगर आप मुझे रेगुलर टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा मैंने कितने सारे आउटफिट्स के साथ इस वाइट बैग को पेयर किया है। तो यहाँ पे जो मैंने फुटवेयर लिया है ये न्यूड हील है एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट, स्ट्रैपी कुर्ता सेट में मैं एक ऑप्शन देख रही थी फॉर दिस समर सीजन एंड ये कुर्ता सेट मुझे दिखा था। इट्स इन इंडिगो एंड वाइट कलर। आई लव द प्रिंट ओवरऑल। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे नेकलाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये वी नेक है एंड देन वी हैव अ वेरी लाइक आई वुड से नूडल स्ट्रैप टाइप का ही बहुत ही पतला सा स्ट्रैप है बट दिस कम्स विथ एन एडजस्टेबल दिस सेक्शन। सो इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये मैंने स्मॉल साइज में लिया है गाइज एंड कॉटन मटेरियल है तो कम्फर्ट वाइज तो आई वुड से दिस लुक्स गुड। इसके साथ इसके अंदर जो मैंने कई बार ऐसा होता है ना कि इस तरह के थोड़े जो ट्रिकी आउटफिट्स होते हैं उनके साथ हम क्या पहन रहे हैं एज एन इनर वेयर वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ स्ट्रैपलेस ब्रा आई वेंट अहेड विद द सिलिकॉन ब्रा एंड एक चीज़ जो मुझे इसमें ऐसा लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो व्हेन आई एम डूइंग दिस आप ये देखना यहाँ पे ये चीज़ हल्की सी ऐसे उठी हुई आ रही है एंड दिस इज़ द केस विद बोथ द सेक्शन। आई थिंक ये चीज़ थोड़ा सा अगर ऐसे रहता ना क्योंकि ये जब मैं हाथ नीचे कर रही हूँ ना तो ये ऐसे हो जा रहा है। कैन यू सी दैट? ये थोड़ा सा मुझे लगा कि फिट में थोड़ा सा इशू हो रहा है। अदरवाइज कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इट्स लुकिंग रियली नाइस और ओवरऑल लुक भी ये काफ़ी अच्छा है। इट्स वेरी कंफर्टेबल सूदिंग और सॉफ्ट मटेरियल है। इट्स अ ब्रीदेबल मटेरियल ऑब्वियसली बिकॉज इट्स कॉटन। लेट्स टॉक अबाउट द पैंट हियर। तो पैंट का जो प्रिंट है ना इट्स हल्का सा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे वाइट कलर बेस पे इन्होंने जो वो ब्लू कलर का प्रिंट किया है आई लव। इसके साथ जो आया है दुपट्टा दिस इज ऑल्सो प्योर कॉटन और इतना मतलब अच्छा और लाइट वेट है ना जब इसको आप ऐसे डालो तो इट्स लुकिंग वेरी डेलिकेट। सो इट एंड इट फील्स वेरी सॉफ्ट। तो इस तरह के जो दुपट्टे होते हैं ना इनको कैरी करना भी अच्छा लगता है। इट्स एक्चुअली समथिंग विच आई वुड लव टू स्टाइल विद सच काइंड ऑफ स्ट्रैपी आउटफिट्स। सो ये इसका जो प्रिंट है इसमें नीचे यहाँ पे इस तरह से आपको ये बॉर्डर डिटेलिंग दिखेगी। फिट वाइज आई वुड से इट्स गुड बट 9 दूंगी मैं बिकॉज ऑफ दिस इशू। कम्फर्ट इट्स 10/10। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइलिंग हियर। तो यहाँ मैंने ये झुमका लिया है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। सो इस तरह के जो प्रिंट्स होते हैं इस तरह के आउटफिट्स के साथ हम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बंजारन लुक को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडकफ्स लिए हैं। सो एज यू कैन सी ये वाला एंड देन आई हैव दिस हैंडकफ विद घुंघरू। आप चाहो तो इसको एक के ऊपर एक स्टैक भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको एज अ सेपरेट भी जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइल किया है वो आप ले सकते हो। नाउ फॉर फुटवेयर एंड बैग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बंजारन लुक, यहाँ पे जो मैंने बैग लिया है इज दिस वन। इट हैज़ डिफरेंट कलर्स, इट हैज़ पॉप, इट हैज़ शेल्स, घुंघरू, एवरीथिंग। आई रियली लव दिस वन। ये समर सीजन में ना इस तरह के जो बोहो बैग्स होते हैं वो लगभग सारे आउटफिट के साथ चले जाते हैं एंड इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये कोल्हापुरी जुत्ती ली है एंड दिस इज द ओवरऑल लुक गाइस। इस आउटफिट की प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे 1375 रुपीज में मिला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता, ये प्यारा सा कुर्ता सेट जो मैं लाइक लिटरली आई हैव फॉलन इन लव विद दिस वन। एक एक करके मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली व्हाई डू आई लव दिस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी वेरी सूदिंग कलर फॉर दिस सीजन। द कम्फर्ट ऑफ कॉटन मटेरियल इज समथिंग विच वी ऑल लुक फॉरवर्ड फॉर इस समर सीजन में, राइट? सो ये समर सीजन के लिए परफेक्ट है बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कॉटन मटेरियल में ही ना इस तरह से आप देखिए ये प्रॉपर ओवरऑल इस अनारकली कुर्ता में ये प्रिंट किया हुआ है एंड इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से आपको ये थोड़ा पास में आके दिखाते हैं इस तरह से ये हुक दिया हुआ है, कुछ इस तरह से ये हुक दिया हुआ है जिसको मैंने ऐसे टाई किया है। यहाँ इस तरह से ये प्रॉपर ऐसे डिटेलिंग दी हुई है जिसमें सीक्वेन वर्क है, सिल्वर बीड वर्क किया हुआ है एंड देन वी हैव द रनिंग लेस गोइंग ऑन। हमारा जो कॉलर है ओ माय गॉड बिकॉज ऑफ दिस कॉलर डिटेलिंग ये प्रॉपर एकदम जो पुराने ज़माने में जो अनारकली कुर्तियाँ होती थी ना बिल्कुल वैसा ही लुक दे रहा है एंड बहुत प्यारा लुक है ये। फिट की अगर मैं बात करूँ मैंने ये स्मॉल साइज में लिया है एंड आई मीन जस्ट लुक एट द फ्लेयर, द फिट,
कंफर्ट तो अच्छा है ही। स्लीव्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आके हल्का सा ये लूज हो रहा है। ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि आप चाहो तो मतलब ऐसे फिटेड जो चूड़ीदार वाले अनारकली भी आप देखते हो, बट दिस इज़ थोड़ा सा यहाँ पे आके ऐसे फॉर्मल सा, ऐसे खुला हुआ सा ये डिटेलिंग दी हुई है। हल्का सा यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मटेरियल आपको इस तरह से दिखेगा। आप चाहो तो इसको इस तरह से कर सकते हो, बट आई रियली डोंट वॉन्ट टू रूइन दिस लुक। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है इस तरह से। नाउ ये जो कुर्ता है ना, ये मेरी जो हाइट है मेरे अकॉर्डिंग ये मेरे अगेन काफ लेंथ पे आ रहा है। एंड नीचे अगेन जस्ट हल्का सा ये इस तरह से लेस की डिटेलिंग दी हुई है। नाउ इसके बॉटम की बात करूँ तो ये बॉटम जो है इसका अच्छा खासा नीचे आके ऐसे फ्लेयर हो रहा है। एंड इसका फिट, पैंट का फिट इज़ ऑल्सो अमेजिंग गाइज। नाउ अब हम आते हैं इसके दुपट्टे के ऊपर। तो ये चुन्नी वाला दुपट्टा है, वेरी वेरी ईजी टू कैरी फॉर दिस सीजन। एंड यहाँ पे चुन्नी पे भी ना इस तरह से ये लेस की डिटेलिंग दी हुई है। एंड यहाँ पे नीचे इस तरह से लेस की डिटेलिंग दी हुई है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इसको स्टाइल करना वॉज रियली वेरी सिंपल, बिकॉज हमारे आउटफिट पे ही इतना सब कुछ है कि ओवर एक्सेसराइज हम नहीं करेंगे। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक चांदबाली ली है, बिकॉज अनारकली के साथ चांदबाली हमेशा अच्छी लगती है। सो यहाँ पे नीचे जो कलरफुल बीड्स वाले हैं, ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट कलर मैंने चूज़ किया है, थोड़ा सा डार्कर कलर में मैंने चूज़ किया है। इसके साथ मैंने ये गोल्डन हैंडबैग लिया है, दिस इज़ द बॉक्स क्लच। एंड टू कम्प्लीट द लुक मैंने ये अपना ट्रेडिशनल गोल्डन हील पहना हुआ है। एंड दिस इज़ द ओवरऑल लुक गाइज। नाउ अगर मैं इसको रेट करूँ तो कम्फर्ट में इट्स 10/10। एंड फिटिंग वाइज तो आप खुद ही देख रहे हो कि ये कितना प्यारा है, इट्स 10/10 गाइज। मैं सोच रही थी यार कि इसको कहाँ से मैं नंबर काटूँ, बिकॉज इसमें हर चीज़ इतना अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बिल्कुल भी, मुझे कभी कभार लगता है यार मेरी चॉइस ही अच्छी है, इसीलिए मैं हर चीज़ को एकदम 10/10 सब कुछ लगता है। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे 1550 रुपीज़ में मिला है। मूविंग ऑन टू द लास्ट कुर्ता ऑफ दिस वीडियो, ये प्यारा सा कॉटन मटेरियल का कुर्ता मैंने देखा। एंड आई वॉज लाइक यार ये कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम रेगुलर कलर। इट्स मोर काइंड ऑफ अ ब्लू कलर विथ ग्रेश अंडरटोन। एंड इसमें पिंक एंड ग्रीन कलर का ये फ्लोरल प्रिंट डिटेलिंग दी हुई है। ओवरऑल इट्स वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेट फिट कुर्ती है। एक साइज मैंने बड़ा लिया है, रेगुलरली जो मैं साइज पहनती हूँ उससे। सो स्मॉल साइज से मैंने एक साइज मीडियम में मैंने ये ऑर्डर किया है। जो आपको साइज चार्ट दिख रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांड लिबास में, वो एकदम परफेक्ट है। लाइक मेरी जो साइज है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है स्मॉल साइज इज समथिंग विच आई शुड स्टिक ऑन टू फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांड। कई बार ऐसा ब्रांड होता है इंडियन आउटफिट में भी कि जो स्मॉल से मीडियम में चली जाती हूँ मैं, सो स्मॉल मीडियम वैसा रहता है। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द फिट हियर। सो फिट वाइज जैसे मैंने आपको बताया कि अपने साइज के अनुसार ये सही है फिट वाइज। नाउ लुक में इट्स अ डिसेंट आउटफिट। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो कंफर्ट में मैं इसको 10/10 दूंगी। इट्स वेरी कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द कॉटन मटेरियल, इट लुक्स डिसेंट। ओवरऑल लुक भी इसका अच्छा है फॉर लाइक कैजुअल आउटिंग के लिए। दिस इज़ समथिंग विच आई वुड लव टू वेयर, सो आई वुड गिव दिस 9/10। तो जो कुर्ती है इसमें ये रनिंग प्रिंट है, इसमें और एक्स्ट्रा कोई डिटेलिंग नहीं दी हुई है। 3/4 लेंथ की स्लीव्स है विद द सेम प्रिंट। द बॉटम हाउएवर हैज सेम प्रिंट, जस्ट दैट इसमें दोनों तरफ पॉकेट है। एंड ये प्लाजो है, सिंपल सा आउटफिट है। इट कम्स विद दिस चुन्नी, एंड चुन्नी में भी ना साइड में यहाँ पे चारों तरफ से इस तरह से सेम यही वाला प्रिंट दिया हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टाइलिंग हेयर। सो मैंने यहाँ पे वाइट कलर के झुमके रखे हैं। एंड फुटवेयर के लिए, बिकॉज आर आउटफिट हैड पिंक ग्रीन एंड ऑल, तो मेरे पास एक ये जुत्ती थी जिसमें ये डिफरेंट कलर्स थे, तो मैंने इसको स्टाइल कर लिया है। अगर आपके पास ये जुत्ती नहीं है तो आपको मैं दो ऑप्शन देती हूँ, या तो आपको ये कोल्हापुरी चप्पल स्टाइल कर लो या फिर न्यूड फुटवेयर स्टाइल कर लो। इसके साथ मैंने जो बैग लिया है, सेम थिंग, आप चाहो तो ये वाला वाइट बैग ले सकते हो, बट क्योंकि मैंने वाइट बैग काफ़ी सारे बार स्टाइल किया है, आई वॉन्टेड टू गिव अ डिफरेंट बैग
अ ट्राई. सो इस वजह से यहाँ पे मेरे पास ये मैक्रेमे में ये बैग है. सो इस तरह के बैग जो है ना समर्स में काफ़ी चलते भी है, तो ये इसको मैंने स्टाइल किया है. नाउ इट्स ऑल अप टू यू एंड योर स्टाइल, आप कैसे प्रेफर करते हो आउटफिट स्टाइल करना. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 6 डिफरेंट कुर्ता सेट हॉल विच वॉज ऑफ कॉटन मटेरियल. आई होप गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आपको कौन सा कुर्ता अच्छा लगा. ऑल्सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. मैंने इस सारे आउटफिट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना. एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. आपने यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.